सो व्हाट्स अप एवरी वन, सॉरी मैं आप लोगों का सबका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। स्टोरी में भी जो मैसेज आए हुए हैं आई विल रिप्लाई, एंड अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप दोबारा टाइप कर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थोड़ा समझो आप मेरी भी बात, जो मेजर इशूज़ होते हैं वो तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, है ना। एंड जिन भी लोगों का मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पर भी कि ओके सर आपने बोला था एग्ज़ाम क्लियर हो गया, दिस दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, एंड इट फील्स गुड जब आप लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं। एंड सी टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करूँगा, वो है वाटर, ठीक है। वाटर आपको कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, एंड पहले मैं ये चीज़ें बता दूँ, फिर मैं आप खाने के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है ना। मेरे को तो हर चीज़ से ही इशू है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन ओल्ड एंड द न्यू टुगेदर, ठीक है ना। तो आपको एक बात समझने वाली बात है, तो जैसे कल मैंने वो स्टेटस पे जो बात चल रही थी एक स्टोन के ऊपर काला सूरमा, अब समझे उसको, मैंने कहा था कि अगर आप उसे रगड़ेंगे तो काला काला आपके हाथ पे लगेगा। काला सूरमा क्या होता है, काजल है, रॉ काजल हो गया वो, ठीक है ना। एंड लेड क्या हो गया, ठीक है, काला सूरमा में भी लेड होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, और जो प्योर लेड होता है वो क्या होता है, ठीक है। एंड शनि की बात चल रही थी, एंड कई लोगों ने रिप्लाई भी किया और मेरे को पता था रिप्लाई करेंगे, मैंने जानबूझ के, ठीक है, वो चीज़ लिखी थी, एंड तो रिप्लाई आया, मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है शनि के लिए तो लोहा होता है, ठीक है ना। अब उस चीज़ पे मैं डिस्कशन करूँगा, पानी से वो कैसे रिलेट करता है, यानी ये सब चीज़ें हमको कैसे इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मैंने पहले भी शॉर्ट में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। आप एक बात समझ रहे मेरी, ठीक है। 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। कहेंगे 7 प्लैनेट क्यों, नवग्रह होते हैं। सी राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, वो जिसके साथ जो मेन प्लैनेट्स हो गए वो 7 हैं, ठीक है, 7 ही हैं, ठीक है। और बॉडी में कितने चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं, रेनबो के कलर 7 हैं, दिन 7 हैं, ठीक है। वो तो सब भी मैं डिस्कस करा हुआ है, कौन सा दिन क्या होता है, किसके लिए होता है, कौन सा कलर किसके लिए होता है। तो अर्थ है, अर्थ के भी 7 चक्कर होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है, पहले ही वेबसाइट खोल के अगर आप चेक करेंगे अर्थ के 7 चक्कर कौन कौन से हैं, रूट चक्र, माउंट शाशा, सोलर प्लेक्स, आइलैंड टिटिकाका साउथ अमेरिका, सेक्स उलुरुलु काटा ऑस्ट्रेलिया, हार्ट ग्लासबरी इंग्लैंड, एंड थ्रोट चक्र ग्रेट पिरामिड्स इजिप्ट, थर्ड आई कुआ मलक ईरान, क्राउन चक्र माउंट कैलाश, ठीक है, देन तिब्बत में। अब 7, ठीक है। अब ये तो 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनको मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है कि ठीक है मून की प्योरेस्ट, तो पहले मैंने बता रखा है कि मून की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मून की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और है। देन मैंने कहा था कि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड जुपिटर की प्योरेस्ट फॉर्म है, गोल्ड और केसर, ठीक है, ठीक है। अब सैटर्न के लिए आयरन होता है, सब डिस्कस कर रखा है पहले मैंने, लेकिन देखो मेरे को आप मैसेज करते हैं, और गूगल पे रीड किया था, गूगल पे ये लिखा हुआ था। सी गूगल पे कौन लिखता है, हम जैसे लोग ही लोग जो हैं वही गूगल पे लिखते हैं, गूगल हमसे ही तो है, ठीक है। तो डोंट स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे को मत भेजना कि ये देखो गूगल पे लिखा हुआ है, मैं रियल अपने नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है, मैं रॉ एकदम जो वैदिक टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ, ठीक है। गोल्ड भी बहुत तरीके का आता है, ठीक है ना, वाइट गोल्ड हो गया, देन रोज गोल्ड हो गया आपका, ठीक है। बेसिकली जुपिटर के लिए ये इस येलो कलर पुखराज, ठीक है। लेकिन अब मेरी एक बात समझना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत मेन बात है, जो लॉर्डशिप है वो किसके पास है, जो गोल्ड की लॉर्डशिप है ना वो सन की है, सन, देन मून, जो मून है आपका माइंड योर इमोशंस, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म सिल्वर है, लॉर्डशिप सिल्वर की मून के पास ही है, उसकी वही है। जो मार्स है उसके पास लॉर्डशिप है आयरन की, जी हाँ, जो लोहा है आयरन है उसकी लॉर्डशिप मार्स के पास है, जो शनि है शनि के पास लेड की वो है लॉर्डशिप, मरकरी पारा, ठीक है, जुपिटर आपका टिन हो गया, देन वीनस आपका तांबा हो गया, नहीं हीरा नहीं है लॉर्डशिप जो है। तो ये 7 प्लैनेट्स के पास इन 7 मेटल्स की लॉर्डशिप है, एंड हमारी बॉडी इन 7 मेटल्स को ही एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा जो मेटल्स इन्वेंट करे गए हैं उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, एंड यही बेसिक कॉज है कैंसर का, डिप्रेशन का, मूड स्विंग्स का, इन सब चीज़ों का ये मेन कॉज है, क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो पानी बर्न हो रहा है, मैं ब्लिंक कर रहा हूँ अपनी आइज को, तो
ब्लिंक कर रहा हूँ तो पानी बर्न हो रहा है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ स्वेट निकल रहा है तो पानी बर्न हो रहा है। तो पानी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, लेकिन अब उसको पीना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टील के जो बर्तन हैं, हुआ क्या था, ये देखो तो हर चीज़ से दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम से दिक्कत है, अंग्रेज आए एजुकेशन सिस्टम डाल दिया। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि ट्वेल्थ करो ग्रेजुएशन करो, क्यों आज तक इंडिया में कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाया, कोई जाने ही नहीं देता और जगह पे, केवल पढ़ाई करो। पहले यूमस थी कि वो पर्सन पढ़ाई के लिए बना है कि नहीं बना, खैर वो अलग टॉपिक है। देन सुनो मेरी बात, ठीक है, ये सात प्लैनेट सात मेडल्स को लॉर्डशिप होल्ड करते हैं, इससे अलग हमारी बॉडी कोई भी मेडल्स को एक्सेप्ट नहीं करती, एंड यही कॉज है कैंसर डिप्रेशन एंजाइटी मेन इशूज। एंजाइटी डिप्रेशन इन सब के जो मेरे पास मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे आ रखे हैं, इन तीन दिनों में मुझे लगा सबको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊंगा, अलाइनमेंट्स में बता चुका हूँ मैं दोबारा, एंजाइटी डिप्रेशन इन सब के ऊपर मैं अभी डिटेल वीडियो एक डिप्रेशन के ऊपर सेपरेटली, जो जो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मूड स्टेबलाइजर्स डॉक्टर ने बोला है ये है वो है, ठीक है, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट जो सब छोड़ो, एज फार एज माई स्टडीज आर कंसर्न आई टॉक टू थिंग्स दैट्स इट, ठीक है। तो पानी पीना कैसे है, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जो मून है माइंड है मैंने आपको बता रखा है, कौन सा प्लैनेट्स कौन सी बीमारियां होल्ड करता है ये मैंने आपको बता रखा है, केतु क्या होता है, केतु आपको ऐसी बीमारियां दे देता है जो डॉक्टर के पकड़ में भी नहीं आती, पास्ट लाइफ में आपने किसी को दी होंगी पर्पसली वो आपको इस लाइफ में मिल गई, ठीक है, ऐसा भी होता है। उसके बाद राहु मैंने बता रखा आपको HIV हो गया, एड्स हो गया, देन मून, ठीक है, मून आपकी वीनस किडनी होल्ड करता है लेकिन मून भी किडनी को रूल करता है, ठीक है, है ना, और मून आपका जो है बॉडी फ्लूइड्स को होल्ड करता है, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। मून का सबसे ज़्यादा कनेक्शन माइंड का मून का पानी के साथ है, मैंने आपको बताया अर्थ की अगर आप कुंडली देखेंगे, अर्थ की कुंडली में जब 11th हाउस में जब सेजिटेरियस में मून ट्रांजिट करेगा तो वो सुनामी भी लेके आ सकता है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, उस एरिया में 11th हाउस में सेजिटेरियस में अगर मून ट्रांजिट कर रहा है तो स्टील के बर्तनों में पानी नहीं पीना। देन व्हाट इज मरकरी, ठीक है, जो आपका मुंह हो गया, ये मुंह छाले जो पड़ जाते हैं, मुंह की बीमारियां हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, ये अपर लंग्स हो गए, ये मरकरी होल्ड करता है, ठीक है ना। एंड जब आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो तो आपका पूरा मरकरी है ना, पूरा मरकरी हिल जाता है, आपकी किडनियाँ हिल जाती हैं, वीनस मून सब हिल जाता है, ठीक है। तो एक तो ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें जितनी ज़्यादा अवॉइड करोगे उतनी आपकी लंबी उम्र हो जाएगी, एंड ये फैक्ट बात है, इंसान की उम्र 100 साल होती है, मैं तो जी के जाऊँगा, ठीक है, जिसको जीना है आ जाना, यू आर माई एप्पल्स, आई टेक केयर ऑफ यू, आई टेल यू दी एग्जैक्ट वेदिक इन्फॉर्मेशन, बाहर से आई लुक मॉडर्न, ठीक है, इट्स अंदर से आई एम ओल्ड, ठीक है ना, तो इट्स जस्ट द लुक्स, इट्स जस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स आई एम फेसिंग, बट I know what I talk. I don't look like what I talk, but that it is. ऐसा ये क्या करूँ? Then अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक ऐसा मटका लेके आना है, ठीक है, ऐसा मटका लेके आना है आपको, हैं, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको सिल्वर डालना है, सिल्वर कैसा, रॉ सिल्वर, रॉ चांदी, इट्स रॉ सिल्वर 92.5 प्योर सिल्वर। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है, होता है, मैंने भी कहा है कि चांदी का सिक्का स्टील के ग्लास में डाल लो, वो पानी रखा होगा सुबह उसको पी जाओ, एंड मैक्सिमम जो रेमेडीज में मैं यही बताता हूँ कि पानी चेंज करो, ठीक है, और मैक्सिमम जो रेमेडीज में वो रहता है कि कंसीव नहीं हो रहा उसके अलाइनमेंट्स हैं, उसमें मैं क्या बताता हूँ, गोल्ड का पानी पियो, ठीक है, और रेमेडीज अलग हैं, गोल्ड का पानी पियो, क्योंकि बॉडी अंदर से पूरी आपकी डैमेज हो चुकी है, क्या बस मटेरियल चीज़ों में अपने आप को ढूंढते हैं, ठीक है, जस्ट रीड द रियल स्टफ, आई टेल यू टीच यू द रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, जो बात बोली है वो गूगल पे लिखी है पहले, आप किताबों से उसे कन्फर्म करके आए, देन टॉक टू मी, ठीक है। और चांदी के सिक्के भी प्योर नहीं मिलते हैं आज की तारीख में, हर बंदा दोनों बड़े काम में लगा हुआ है, मैं क्या करूँ, ठीक है। आप ज्वेलर के पास जाओ, उसके पास एक लिक्विड होता है, उसको उस पर यूँ रगड़ो, ठीक है, और चांदी को देखो, जो चांदी काली पड़ जाए वो तो प्योर है ही नहीं, 92.5 प्योर सिल्वर जो है छाट छाट के लेके आता हूँ मैं हर जगह से, कहीं से उबालोगे, इसको उबाल के भी पियोगे ना, अगर खैर उबालने की ज़रूरत नहीं, अगर किडनी की किसी को इश्यूज हैं तो वो उबाल के पी सकता है, रेस्ट जो करना है ये रॉ चांदी को, ठीक है, रॉ चांदी ली, इसको ऐसी इस मटके में मैं पोर कर दूंगा, डाल दी इसमें चांदी, ठीक है, एक और रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये मैं अलग रूम के लिए लेके आया हूँ, एंड इसमें मैं ये रॉ चांदी, इतनी देखो रॉ चांदी है पूरी, इतने मोटे मोटे चांदी के पीसीस हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा,
ठीक है। तो ये इतने मोटे मोटे पीसेस हैं रॉ चांदी, सिक्के में मैं बिलीव नहीं करता सिक्का, क्योंकि ओरिजिनल ही मिलने का। ये रॉ चांदी के पीस मैं डाल दिए इसमें, और पानी जो है आपको डायरेक्ट टैप से नहीं पीना, ठीक है, डायरेक्ट टैप वाटर नहीं पीना, ठीक है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आप आर ओ में आपको पानी है वहाँ से वो निकलेगा, देन आप ओवर नाइट इसके अंदर रहेगा वो मिट्टी के अर्थन पॉट में वो रहेगा। चांदी की जो प्योरिटीज़ हैं, चांदी के जो तत्व हैं, मून से जो रिलेट करता है, आपका दिमाग जो शांत करेगा, मरकरी को शांत करेगा, ठंडा पानी नहीं है, ठीक है, इसमें आप डालेंगे, इसकी प्योरिटीज जो उसके अंदर आएंगी। देन एक चांदी का ग्लास लेके, चांदी का ग्लास है मेरे पास, उसमें से मैं उसको पीता हूँ डेली सुबह, ठीक है। अब कितना पानी आपको पीना है, देखो आपकी बॉडी में जो पानी है वो पानी 1 ग्राम जो पानी है 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होल्ड करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। मैंने आप सारी इन्फॉर्मेशन डाइट प्लान्स वगैरह डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे, ऐसे ही नहीं डाल रखे हैं, ठीक है। आई हैव जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं पूरी स्टडी करके डाइट प्लान वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ नॉन वेज क्या है ये वो मैं इन डिटेल में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए फॉर स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी, इससे पी के देखो एक बार, ठंडी चीज़ें बंद करो इस वाले पानी पे आ जाओ, स्किन शाइन करेगी, ठीक है। अदर चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, पानी कितना पीना है, ठीक है। मैंने आपको बताया 500 ml पानी 2 सर्विंग, मतलब 2 ग्लास, ठीक है। एक सर्विंग में 240 ml होते हैं, 240 ml वाटर, ठीक है। देन उसके बाद इन बिटवीन मील्स आपको पानी नहीं पीना है, दिन में आपको कम से कम 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, 4 लीटर पानी आपके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे को फॉलो करें, ठीक है। पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। महंगा भी यार 1.5 चाने बहुत है, पानी को ही सेल कर दिया, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, गुड आइडिया है ना, सिल्वर वाटर। देन उसके बाद खाने से आधे घंटे पहले आपको 250 ml पानी पीना, 1 ग्लास। खाना खा लिया आपने, खाने के आधे घंटे बाद आपको स्नैक के पहले, खाने के आधे घंटे बाद फिर 250 ml पानी पीना है। शाम को या सुबह जब भी आप वर्कआउट करते हैं, एक तो खाली पेट वर्कआउट नहीं करना होता, उसके ऊपर मैंने अभी बता रखा, दोबारा बता दूंगा इन डिटेल, खाली पेट वर्कआउट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं आप, आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेट में उसको लेके आना होता है, ताकि वो सुबह के टाइम खाली पेट आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी मसल्स बर्न होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देन वर्कआउट अगर आप करते हैं, वर्कआउट के दौरान आपको 750 ml से 1 लीटर पानी पीना है, लेकिन वो सिप कर करके पीना है। योगा कर रहे हो चाहे मेडिटेशन में बैठे हो, सिप कर करके, सिप 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 सिप, ठीक है, एकदम नहीं पीना है उसको, ठीक है। देन आपको फिर उसके बाद वर्कआउट वगैरह कर लिया, अपना प्रोटीन वगैरह आप पी लेंगे अच्छा सा, एक वे प्रोटीन, नाइस वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है पता हूँ आपको, वे प्रोटीन लोग समझते हैं पता नहीं क्या है, जादू है, कुछ नहीं है। जो पनीर, जो घर पे पनीर निकालते हैं, जो आपका पनीर होता है, पनीर निकालने के बाद जो पानी को फेंकते हैं ना, वो वे प्रोटीन है, ठीक है। जो पानी आप लोग पनीर निकाल के फेंकते हैं वो वे प्रोटीन होता है, एंड उसको प्रोसेस करके लिक्विड वाटर को उसको प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, एंड दैट इज लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि पनीर में क्या होता है, पनीर में जितना फैट है उतना ही प्रोटीन है, प्रोटीन भी है फैट भी है, ठीक है। एंड दालों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बादामों के बारे में बात करूँगा, नट्स गर्मी करेंगे कि नहीं आपको गर्मियों में, कैसे खाने हैं, ठीक है, इन डिटेल। देन आपका ये खाने वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद रात को डिनर से पहले आधा घंटा पहले आपको 250 ml पानी, देन उसके बाद आपका खाने के बाद आप 250 ml पानी पियोगे, देन रात को आप एस्ट्रो मिल्क पियोगे मेरे वाला, जो मैंने वीडियोस में बता रखा है, एस्ट्रो मिल्क बहुत ज़रूरी है, वीनस जुपिटर केसर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, वो आपको पीना है। एंड यस, यही है, यही तरीका है।